ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजनांदपुर थाना अंतर्गत लिपलोई वार्ड नंबर 8 निवासी नदी में नहाने के क्रम में 35 वर्ष युवक पानी में बह गया। घटना की सूचना पाकर रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ की टीम घंटों बीत जाने के बाद भी मशक्कत के बाद 2 किलोमीटर दूर ये शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि राजनांदपुर वार्ड नंबर 8 के राजू प्रधान उम्र 35 जो आज लिपलोई नदी में नहाने गया था, नहाने के क्रम में ही पैर फिसल जाने की वजह से गहरी बहाव में वो बह गया। इसकी सूचना पाकर स्थानीय शहर वालों ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। सूचना पाकर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 4 लोगों की टीम ने नदी में खोजना शुरू किया। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 किलोमीटर दूर नदी में शव बरामद कर स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का अंत परीक्षण हो जाने के बाद परिजनों को सौंप दी जाएगी। इस घटना की सूचना से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है, साथ ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जो पवित्र नायक का नाम लिपलई का ओवर ब्रिज लिपलई का ब्रिज में था, वो खबर दिया था। वो एक लड़का, उम्र कितना साल तो नहीं बता, लड़का स्नान करने से बाद वो पानी में गिर गया। तो अभी आपका टीम यहाँ जांच टीम कर... हमारा टीम अभी रेस्क्यू कार्य जारी रखना जारी है। अभी तक कोई शव का पता नहीं चला। पानी तो ज्यादा पानी है। कितना देर हो गया सर अभी जांच करते हैं? अभी हम लोग हमारा टीम है लगभग 45 मिनट। संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, VSRS न्यूज, ओडिशा।